गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। कैसे हैं सब बच्चे? आई होप एवरी वन इज डूइंग वेल। तो आज है सुपर 10 सीरीज में एक टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का हम दो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से सवाल आता है, वन इज बीटी कॉटन एंड अदर वन इज इंसुलिन। अनदर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं। यूजुअली बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉट इस जीन थेरेपी, सक्सेसफुल अटेम्प्ट किस पे किया गया था, क्या ये परमानेंट क्योर है, अगर इसको परमानेंट बनाना है तो क्या करना रहेगा। सो स्टार्टिंग विद जीन थेरेपी, ये टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में, किसमें? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। सो ठीक है, जीन थेरेपी में करा क्या जा रहा है? वी आर रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन विद द करेक्टेड वन। अगर किसी के जीनोम में कोई जीन एब्सेंट है या फिर कोई डिफेक्टेड है, काम नहीं कर रहा, उसको अगर मैं करेक्ट वाले से रिप्लेस करना चाहूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं। यस, सो रिप्लेसमेंट, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड और एब्सेंट जीन विद द करेक्ट वन, है ना, विद द करेक्ट वन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे आप? जीन थेरेपी। अब इस जीन थेरेपी में सबसे पहले सक्सेसफुल अटेम्प्ट किस पर किया गया था? एक 4 साल की बच्ची थी, जो आपको केस याद रखना है। देयर वॉज अ 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ ADA deficiency। इसमें कौन सा जीन एब्सेंट था? वो जीन जो ADA बनाता है। सो जीन फॉर ADA वॉज एब्सेंट, है ना, ये प्रॉब्लम का नाम याद रखेंगे, ADA वॉज एब्सेंट। अब ADA क्या होता है? ADA होता है एक एंजाइम विच इज कॉल्ड एज एडीनोसिन डीएमिनेज। वॉट इज दिस? दिस इज एडीनोसिन डीएमिनेज। अब ये एंजाइम क्यों रिक्वायर्ड है भाई? अगर इसका जीन खराब है, जीन एब्सेंट है, तो एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ है? दिस एडीनोसिन डीएमिनेज इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, है ना, किसके लिए रिक्वायर्ड है? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर ADA का जीन एब्सेंट होगा, तो उसके अंदर ADA एंजाइम भी नहीं बनेगा। ADA एंजाइम नहीं बनेगा तो टी सेल मेच्योर नहीं होंगे, तो कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होगा? इन दैट केस द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि यही टी लिम्फोसाइट्स हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही इस तरीके से काम नहीं किया, मेच्योर बेटा नहीं हो पाए हमारे लिम्फोसाइट्स, तो उस पर्सन को जो डिसऑर्डर होगा, इन दैट केस इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड उस डिसऑर्डर को यहां पर बोला जाता है स्किड। दैट डिसऑर्डर दैट द गर्ल वॉज हैविंग वॉज स्किड। स्किड इज सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो 4 क्वेश्चंस तो यहीं से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्किड के अंदर कौन से जीन का डिफेक्ट है? ADA जीन का इफेक्ट है। ये ADA जीन का फंक्शन क्या है? दैट इज मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब कैसे ठीक करें? सिंपल सा अगर तरीका देखा जाए, तो एक बड़ा सिंपल सा फंड है कि उसमें एंजाइम कम है, एंजाइम नहीं बन रहा है, ADA नहीं बन रहा है, तो आप बाहर से एंजाइम डाल दो। सबसे आसान तो यही लग रहा है ना, है ना। सो फर्स्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट is going to be enzyme replacement therapy। क्या करिए? एंजाइम बाहर से डाल दीजिए, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ERT। क्या बोलते हैं इसको? ERT। कि अगर एंजाइम नहीं बन रहा तो तुम बाहर से एंजाइम डाल दो। बट कब तक डालोगे? द पेशेंट हैज टू कम एट रिपीटेड इंटरवल टू द क्लिनिक फॉर दिस ERT। तो यार ये परमानेंट क्योर तो नहीं लग रहा मुझे, है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा लीजिए, है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ काइंड ऑफ परमानेंट क्योर, ये टेम्प्ररी क्योर है। दोनों ईआरटी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपको बारी बारी करवाने पड़ सकते हैं, इसीलिए दोनों क्या है, टेम्प्ररी क्योर है। थोड़ा सा परमानेंसी की तरफ जाते हैं। इसमें अब क्या किया, जो हमारे पास बच्ची थी 4-year-old girl, उसके लिम्फोसाइट एडीएन नहीं बना रहे थे, तो क्या किया, उसके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बॉडी से बाहर निकाले गए। कहाँ पर लेके आए उन लिम्फोसाइट्स को, लैब में लेके आए। उन लिम्फोसाइट्स में, लैब में, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने क्या डाल दिया, फंक्शनल जीन डाल दिया। यस, यू हैव नाउ एडेड फंक्शनल जीन फॉर एडीए इनटू द लिम्फोसाइट्स ऑफ दैट गर्ल इन विट्रो। कहाँ पर हुआ ये सब चीजें, लैब में हुई। अब लिम्फोसाइट के अंदर वो जीन आ गया। अब ये जो जीन थेरेपी के द्वारा बनाए गए लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें फंक्शनल एडीए का जीन है, इसको आप वापस से इस बच्चे के अंदर डाल दोगे, तो यार ये वाले लिम्फोसाइट जब अंदर जाएंगे तो एंजाइम बनने लगेगा। यहाँ पर आपने जीन थेरेपी का यूज किया, बट क्या ये भी परमानेंट क्योर है? आपने फंक्शनल एडीए वाले लिम्फोसाइट्स तो डाल दिए, दीज आर लिम्फोसाइट्स, बट बेटा जी लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है वो तो बहुत कम होता है। यस, द लाइफ स्पैन ऑफ लिम्फोसाइट इज वेरी लेस, तो अगर अंदर ही जाएंगे तो कुछ देर सर्वाइव करेंगे, कुछ दिन सर्वाइव करेंगे, एंड देन दीज जीन थेरेपीड लिम्फोसाइट्स दे आर गोइंग टू डाई। तो ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, बिकॉज लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है, इमॉर्टल सेल तो है नहीं, है ना, वो क्या है, लिमिटेड है। तो आप बारी बारी ये नहीं कर सकते कि बारी बारी हम उसके लिम्फोसाइट निकालें, फिर हम उसमें जीन डालें, फिर वापस से लिम्फोसाइट डालें। सो वी कैनॉट परफॉर्म दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट्स अ हैसल फॉर द पेशेंट। नाउ व्हाट कुड बी द परमानेंट क्योर? इसके अलावा बेटा द बेस्ट परमानेंट क्योर इज कि आप फंक्शनल एडीए का जीन डालें, लेकिन किस स्टेज पे डाले, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डाले। किन सेल्स में डाले, मैरो सेल्स में डाले। सो द परमानेंट क्योर इज एडिशन ऑफ फंक्शनल जीन नॉट इन द एडल्ट स्टेज। आप किस स्टेज में डालिए, मैरो सेल्स में, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने ये सेल्स डाल दिए, इन दैट केस हमेशा उस पर्सन की बॉडी में वैसे ही लिम्फोसाइट बनेंगे जिसमें एडीए का जीन, फंक्शनल जीन प्रेजेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द परमानेंट क्योर, जिसमें मेजर थिंग इज कि आपको जीन कब डालना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालना है, नॉट इन द एडल्ट स्टेज। तो ये था बेटा जीन थेरेपी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि क्या होता है एंड किस कितने कितने टाइप्स का होता है, कौन सा सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, उस बच्ची को डिसऑर्डर क्या था, प्रॉब्लम किस चीज़ की थी, ये सब एंजाइम का नाम, डिसऑर्डर का नाम एंड पॉसिबल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी पूछे जा सकते हैं आपसे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, उससे लास्ट टाइम भी आया था। सो बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आई बिलीव बायोटेक्नोलॉजी इज जस्ट अबाउट कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ज़्यादा उसमें बाहर से कभी भी नहीं आता है। और बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा अंडर रेटेड टॉपिक है, जिसको हम पहले बड़ी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन जब से 2020 के एग्जाम में तकरीबन 6 questions वहाँ से आए हैं, तब से इसका दर्जा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। सो विद दिस विटे मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स, PDFs, TPPs, मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए जुड़ सकते हैं मेरे बैचेस में। 3 batches चल रहे हैं मेरे, 2 संजीवनी batch चल रहे हैं और 1 बेटा विजय भव बैच चल रहा है। और अभी बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, और भी बैचेस है बेटा, ऑल स्टार है, समर्पण, परीक्षा, क्रैश कोर्स हैं। बेस्ट टाइम मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप अगले 30th of June तक लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेंगे अनअकैडमी के द्वारा प्रिंटेड नोट्स एट योर डोर स्टेप, बिल्कुल ऑफलाइन वाइल फीलिंग ऑनलाइन में आएगी, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन टिल 30th of June तक ही। और क्या ऑफर चल रहे हैं इस टाइम पे बेटा, CBSE के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ह्यूज ऑफ इज गोइंग ऑन, 10% प्लस 15% प्लस 2 months फ्री। 2 साल का लेते हैं तो बेटा 10% प्लस 20% प्लस 3 months फ्री। यस, हाँ जी, अगर आप नहीं लेते हैं CBSE के साथ, अकेला नीट का ही लेते हैं, इवन देन यू आर गोइंग टू गेट 3+1, 3 months के साथ 1 month फ्री, 12+2 and 24+3। तो आप अपने अकॉर्डिंग कि आप अभी किस क्लास में हैं, आपको कितना समय लगेगा, कौन से साल का नीट देना है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन आइदर चूज बिटवीन प्लस सब्सक्रिप्शन और
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अंतर क्या है? देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं बाय यूजिंग सीप लाइव कोड, तो बेटा मैम की पर्सनल गाइडेंस, पीडीएफ नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, डीपीपीज ऑफ एवरी चैप्टर, एंड साथ ही में क्या मिलता है? एवरी डे डाउट क्लियरेंस. यस, एवरी डे बेटा डाउट क्लियरेंस मिलता है. अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, जो पीडीएफ है ना वो आप डाउनलोड कर पाएंगे. दूसरी चीज, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच भी मिलता है साथ में, एंड स्टडी प्लानर भी. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पैनलिस्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अमेजिंग टीचर्स वर्कशॉप्स अटेंड करने का. ठीक है, तो ये बेटा आपके कंपैरेटिव प्राइसेस हैं. अगर आपको ये प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा लगते हैं लमसम में देने, देन अनअकैडमी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ द लोन, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आज के लिए बेटा इतना ही. अब मिलेंगे शाम को 6 बजे बैक्टीरियल डिजीजेस एंड रात को 9 बजे विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ सुपर 10 सीरीज. आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस. अगर आप लाइक करते हैं तो बिल्कुल शेयर करिए इसको, टैग करिए अपने सोशल मीडिया पे और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव सीरीज फॉर 2021 रिविजन एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय.